तो उस समय उन्होंने राधा रानी की ओर देखा, क्योंकि उनको रास करना था, रसेश्वरी तो राधा रानी ही है और इनके बिना रस नहीं आ सकता है। महारास में श्री कृष्ण ने राधा रानी की उपासना किया है, तब महारास प्रारंभ किया है। ये पहले पहले इसका अर्थ आचार्य लोगों ने लिखा है, हम लोग तो नहीं समझ सकते हैं, मूढ़ प्राणी हैं, लेकिन अर्थ किया है भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आचार्यों ने इसका अर्थ किया है, श्रीमद् भागवत तो साधारण प्राणी हम लोग समझ ही कह सकते हैं। योग मायामुपाश्रितः, योग माया वहां पर उन्होंने अर्थ किया है, राधा रानी का आश्रय लिया कृष्ण ने। जब महारास का प्रारंभ हुआ, पहले पहले श्लोक में पहले पहले राधा रानी का आश्रय लिया गया। योगा चासु माया योग माया, जो नित्य साथ रहती हैं, अथवा दूसरा अर्थ किया योग मां, नित्य मां माने लक्ष्मी, नित्य जो साथ रहती हैं उनका योग मां और सप्तमी याम, इस तरह से इसका बहुत अर्थ किया है। संक्षेप में समझो कि श्री राधा रानी का आश्रय लिया तब महारास का प्रारंभ हुआ। तो श्री कृष्ण ने गोलोक में देखा राधा रानी की ओर, अर्थात ये नहीं चलेंगी तो वहां रसमयी लीला नहीं हो पाएगी। तो श्री राधा रानी बोली, ये श्लोक दो बार आया है गर्ग संहिता में, वृंदावन खंड में आया है, गोलोक खंड में भी आया है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र मे मनः सुखम। हे श्री कृष्ण, जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गिरिराज जी नहीं है, वहां हमें सुख नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण बोले, हे राधे, ये सब भी चलेंगे, इसलिए इन धामों का अवतार हुआ, ये यहां आए और श्री जी की कृपा से उस धाम का परिचय हम लोगों को प्राप्त हुआ। मत्स्य पुराण में इसलिए लिखा है, राधा वृंदा बने बने, राधा रानी ही वृंदावन बनी है। और ये श्री जी के 16 नामों में एक वृंदा नाम राधा रानी का भी है, तो वृंदावनम राधाया वनम वृंदावनम। अभी हम बताएंगे वृंदावन क्यों नाम पड़ा, कई कारण हैं। एक तो षष्ठी समास वृंदाया बनम वृंदावनम, यानी राधाया बनम राधा बनम। मुख्य बात यह है, तो इसलिए जब उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने, वृंदावन भी चलेंगे, यमुना भी चलेगी, वो सब यहां पर आए और वहां पर लिखा है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ऐसा वृंदावन धाम है। इसकी अनुभूति उपासना से होती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यद राधा पद किंकरी कृतिर्दाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्धृति विना तस्या कृपा स्पर्शतः। जो श्री राधा रानी की किंकरियां हैं उनको सम्यक दिखाई पड़ता है साक्षात आंखों से। यद राधा पद किंकरी कृतिर्दाम सम्यक भवेद गोचरम। दूसरी कोटि यह है ध्यान में दिखाई पड़ जाए बिना सम्यक दृष्टि किंकरी भाव के नहीं आएगी। ध्येयम नैव सदापि कदापि यद्धृति बिना तस्या कृपा स्पर्शतः। जब उनकी कृपा होती है तब ध्यान में इसका दर्शन होता है। साक्षात दर्शन तो किंकरी भाव से धोने के बाद ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ध्यान गम्य भी दर्शन कृपा के बिना नहीं होता है। ये दूसरी कोटि है। तीसरी कोटि है जिसमें हम जैसे लोग भी आते हैं, जो पापात्मा हैं और अनादिकाल से भगवत विमुख हैं, तो उनके लिए क्या होगा? जो किंकरी भाव नहीं है सिद्ध और वैसी कृपा भी नहीं कि ध्यान गम में दर्शन हो जाए, तो हम लोग क्या करें, चले जाएं? बोले नहीं। यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। हम जैसे पापात्मा लोगों के लिए वृंदावन का दरवाजा खुला हुआ है। प्रेमामृत सिंधु सार रस देने वाला ये धाम पापैक भाजामपि। केवल जिन जिन्होंने पाप किया है अनादिकाल से विमुख हैं उनको भी वृंदावन लौटा लेगा नहीं। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्य हृदय स्फूर्जतु। दुष्प्रवेश महिमा, इसको समझना कठिन है। वो दुष्प्रवेश महिमा हमारे हृदय में उदय हो जाए, तो इसलिए ये वृंदावन धाम, वृंदावन धाम का अवतरण हुआ और ये पृथ्वी पर आया श्री जी की इच्छा से। कहां आया? जहां पर आराधना हुई थी वहां आया। ये धाम जितने हैं ये सब जगह नहीं आते हैं। कोई कहे कलकत्ता में क्यों नहीं आया, बंबई में क्यों नहीं आया, दिल्ली में क्यों नहीं आया, तो धामों का अवतार निश्चित जगह होता है और वहीं उनका अवतार होता है। जैसे मथुरा मंडल में ब्रज मंडल के भीतर सदा से जहां धाम का अवतार होता है, उसी तरह से राम उपासना में साकेत का भी अवतरण वहीं एक ही जगह होता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना,
वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को को, कोई कोई जान सकता है कि पृथ्वी पर होते हुए भी वैकुंठ से श्रेष्ठ है, हम कैसे मान लें? ये मानना पड़ेगा। भक्तों ने रसकों ने कहा है ऐसा नहीं है, अहो मधुपुरी रम्या वैकुंठाच्च गरीयसी, ये कई जगह स्कंद पुराण में भी और भी कहा गया है। जैसे यहां गोसाई जी ने कहा अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को, वैसे ही तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्य हृदय स्फूर्जतु, दुष्प्रवेश महिमा है, ओ मधुपुरी रम्या वैकुंठाच्य गरीसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और ये आचार्यों ने बार बार कहा है, जैसे गोपी गीत का पहला श्लोक है, आ जयति ते धिकौ जनुमना व्रज, जयति ते धिकौ जनुमना व्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत् दैत दृश्यताम दीक्षुताव का, दैत दृश्यताम त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते, अधिकम जयति। इसका अर्थ किया है वैकुंठात्, वैकुंठ से भी इसकी अधिक शोभा हो रही है। यहां आपने जन्म लिया, लीलाएं किया, वो लीलाएं जो बहुत जल्दी प्रभु से मिला देती हैं। श्रीमद् भागवत में प्रतिज्ञा की गई है कि तुम और साधन करोगे ज्ञान आदि योग आदि तप आदि, उससे उतनी जल्दी प्राप्ति नहीं होगी जितनी लीलाओं का गान करोगे। कुंती माता ने अपनी स्तुति में कहा है प्रथम स्कंद आठवें अध्याय में, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इहितम आपकी लीलाओं को जो लोग सुनते हैं गाते हैं अभीक्षा दिन रात बार बार स्मरण करते हैं आनंद लेते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जनाः, बोले वही सबसे पहले आपको प्राप्त करते हैं। तयो पश्यन्ति अचिरेण, अचिरेण माने बहुत जल्दी, तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, आपके चरणों का दर्शन करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ज ध्यान, जे हरि चरित न करहिं रत तिनके ही पाषाण। जिसका भगवत लीलाओं में प्रेम नहीं है वो पत्थर है,
पत्थर भी ठीक है, वो आत्मघाती है। पुमान ब्रिजेत बिना पशुघ्नात, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कहा गया है कि जो पशुघ्न आत्मघाती है, निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भगवत लीलाएं जीवन मुक्त लोग भी अपने ध्यान को छोड़ करके सुनते हैं, वे भी निवृत्त तर्षई रूपगी मानात, जिनके अंदर माया की तर्षा नहीं है वो भी गाया करते हैं। भवौषधात्, जो उनको भवसागर पार करना है औषधि के रूप में, वो भी भगवत लीलाओं गाते हैं। मनोभिरामात्, भोगी लोग भी गाते हैं, कृष्ण लीला नृत्य करते हैं और नृत्य करके नर्तकियां पैसा पैदा करती हैं। फिल्मों में कृष्ण लीलाएं भरी पड़ी हुई हैं। जसोमती मैया से पूछे राधा रानी, कन्हैया क्यों गोर, मैं कन्हैया, हाँ तो ये क्यों श्रुत मनोभिरामात, ये सुनने में बड़ा मनोभिराम है, इतना अच्छा लगता है कि तमाम लोग गाने लग गए, जो कृष्ण भक्त नहीं थे वो भी गाते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। निवृत्त तर्षई रूपगी मानात भवौषधात् श्रोत मनोभिरामात्। बोले अरे भाई किसी तरह से कृष्ण लीला गाओ, और जो नहीं गाता है वो आत्मघाती है। पुना पुवान विरजेत बिना पशुघ्नात्, आत्मघाती है वो। तो इसलिए इस धाम का अवतार हुआ यह प्रसंग जाने को कोई कोई समझ पाते हैं, बाकी लोग तो तर्का प्रतिष्ठान आदि। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, तर्क संशय आ जाता है तो वो तत्व चला जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है ब्रह्मा जी ने कि जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा कम हो जाती है, तर्क आ जाता है, तो वो तत्व लुप्त हो जाता है। इसलिए धाम की जो महिमा है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदावन धाम का महात्म्य हमने आपको थोड़ा सा सुनाया, और इसका आविर्भाव होता है ये भी हमने शास्त्र प्रमाण से बताया कि राधा रानी ने कहा हम तभी चलेंगे अवतार लेंगे जब हमारा धाम यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी। जब ये श्लोक हम कहते हैं तो एक दुख की बात यह है, जब यमुना नदी नहीं है तो वहां राधिका की लीला नहीं है। लगभग 20-22 यात्राएं हो चुकी हैं मान मंदिर से। हम जब भी वृंदावन में आते हैं तो इस विषय पर थोड़ा सा अवश्य बोलते हैं। बोलते क्या है, दुख प्रकट करते हैं। आज यमुना जी की जो दशा है
सब जानते हैं, यमुना का जल पी लो तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कई लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जो जल अमृत रूप था, हम सुनते थे पहले कि गंगा की मछली यमुना में जी जाएगी, यमुना की मछली गंगा में नहीं जी सकती, इतना मीठा पानी था। स्वयं श्री कृष्ण ने पिया है, गा पायित्वा अपह सुमृष्टा शीतला शिवम, कैसा जल था यह भागवत में लिखा है, सुमृष्ट शीतल अशिव कल्याणकारी। तपो ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर जलम, बिना भूख के ही सब ग्वाल बाल पानी पी गए, और शिवम जल था वो यमुना जल आज विषाक्त हो गया, और उसका पाप हम सब के ऊपर भी है, निश्चित पाप है, क्योंकि भागवत में लिखा है कर्तु शास्त्र अनुज्ञातु समम प्रेत्य यत फलम, करने वाले समर्थन करने वाले कराने वाले के बराबर पाप मिलता है। हम लोग ऐसी आसुरी शासन का समर्थन करते हैं तो हम भी पापी हैं, यमुना को दूषित करने वाले सब पापी हैं, अपराधी हैं, और उनका समर्थन करने वाले भी पापी हैं। अगर जनता में जागृति हो जाए, एक भी जनता के आदमी वोट न देने जाएं, तो दूसरे दिन इस गवर्नमेंट अपने आप झुक जाएगी, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, तो भागवत का श्लोक है कर्तु शास्तु अनुज्ञातु समम प्रेत्य यत फलम, हम भी पाप के भागी हैं, क्या करें। मैंने तो आ भाई आज तक वोट दिया नहीं, इसी डर से नहीं दिया। यद्यपि लोग कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते, नागरिक नहीं है, नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अरे कर्तव्य क्या करें, पाप करें, ये तो कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य में तबियत प्रत्यय होता है, करने योग्य चीज को करना चाहिए, पाप तो कर्तव्य नहीं है। इसलिए हमारे सामने, हम 60 साल से ब्रज में रह रहे हैं, जाने कितनी बार इलेक्शन हुआ, हम एक दिन भी नहीं गए वोट देने, कि हमारा कर्तव्य है पाप से बचना। ये मैंने इसलिए कह दिया कि मैं जब भी आता हूं वृंदावन में कहता अवश्य हूं, और इस भाव से कहता हूं कि सुनने वाले प्रभु हैं, वो सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो अवश्य काम बनता है। पहाड़ों की लड़ाई में लोग हमसे कहते थे, अरे तुम क्या चीज हो माफियाओं के आगे, चीटी भी नहीं हो, ये माफिया लोग तो गवर्नमेंट को खा जाते हैं। हमने कहा भाई हमारी गवर्नमेंट अलग है, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं है जो तुम देख रहे हो, हम उस गवर्नमेंट की दृष्टि से काम करते हैं। और एक दिन आया कि वो पहाड़ों की लड़ाई ठाकुर जी जीत ही गए, गहबर वन के बारे में भी 46 साल तक हम
संघर्ष करते रहे। लोगों ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन 46 साल के बाद ठाकुर जी ने सुना। गहर बर्मन आज जिस स्थिति में है, कम से कम कई हजार वृक्ष इस बार भी लगाए गए हैं। किसी समय वो 4 लाख रुपए में बिक गया था। उसको हमारे यहां के लोगों ने स्टे जाके छाता में स्टे लिया, नहीं तो आज एक भी वृक्ष गहवर वन में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे राधा कुंड में आरिड वन, एक भी एक वृक्ष नहीं है, वन समाप्त हो गया। वैसे गहबर वन एक भी वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जब बिक गया था तो सब को सब कोठियां बन जाती और गहबर वन का नाम समाप्त हो जाता। लेकिन श्री ठाकुर जी ने, जबकि जैसे कमजोर आदमी कोई दुनिया में नहीं होगा, न धन बल है, न हमारे पास जन बल है, कोई बल नहीं है हमारे पास, लेकिन जब प्रभु सुनते हैं तो इसीलिए हम भगवान नाम का सहारा लेते हैं, कीर्तन करते हैं। इस कीर्तन के कारण ही गोमती गंगा जो गटर गंगा बन गई थी वो बच गई। इस कीर्तन से ही भगवान नाम से पहाड़ बचे, और कीर्तन से ही यमुना जी आएंगी। एक दिन ये बात अवश्य सत्य होगी। इसलिए होगी कि हमने अनुभव कर लिया, कई लड़ाइयां लड़ते रहे। गहवरबन की लड़ाई, श्री जी के मंदिर के एक्सटेंशन की लड़ाई, नंदगांव के मंदिर के एक्सटेंशन की लड़ाई, अनेक कुंडों की लड़ाई, कहां तक बताएं। 60 साल लड़ते ही लड़ते जा रहा है, लेकिन जो कुछ होता है सफलता मिलती है कृष्ण कृपा से ही मिलती है। जीव में कोई शक्ति नहीं है, जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये वृंदावन धाम की महिमा बताते समय थोड़ा सा हमने यमुना जग का भी विषय दे दिया। इस वृंदावन को श्री जी का स्वरूप भी बताया गया है। रोमाली मिहिरात्मजा सुललते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंप का छवि रहो नाभि सर शोभना। श्री जी के जो रोमावलियां हैं वो यमुना जी हैं। बंधुक पुष्पों जो हैं वही उनके अधर कांति हैं। सर्वांगे स्फुट चंपक छवि रहो नाभि सर शोभना। और श्रीमद वृंदावन में जो सुनहली चंपाओं के चार वन हैं वो श्री जी के अंग की कांति हैं। नाभि सर शोभना, जितने सरोवर हैं वो सब नाभि मंडल हैं। वक्षोजस्तव काल सद्भुजलता शिंजा पतंछुंकृति। वक्षस्थल ही वृंदावन के पुष्प गुच्छ हैं। शिंजा पतन छुंकृति,
और यहां के जो पक्षी चहचहाते हैं वही उनके नूपुरों के झनकार है। श्री राधा हरते मनो मधुपते रन्ये वृंदाटवी। राधा रानी ही वृंदाटवी के रूप में श्याम सुंदर के मन को चुराया करती हैं, इसलिए वृंदावन को श्री राधा रानी का स्वरूप बताया गया। आचार्यों ने इसके बहुत से अर्थ दिए हैं। जीव गोस्वामी लिखा है वृंदान अवति वृंदावनम, जो गोप वृंद गोपी वृंद गोवृंद अनेक वृंदों के जो रक्षा करता है वो वृंदावन है। वृंदान अवती थी इसलिए इसको वृंदावन कहा गया। गोप वृंद गोपियां गोवृंद गायों के वृंद इनको आश्रय देने वाला इनकी रक्षा करने वाला वृंदावन है। वृंदान अवती थी वृंदावनम, ऐसे वृंदावन में उनकी कृपा से हम लोग बैठे हुए हैं। इसकी महिमा अधिक तो क्या कहें। महात्माओं ने भगवान से बढ़कर के इसकी महिमा बताई है। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कौन निहार, हरि हूँ कौन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। बोले अब क्या करें, कृष्ण तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और विपिन राज के सीमा के बाहर कृष्ण को भी मत देखो। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, यहां ब्रज में क्या है, धूर ही धूर है, मिट्टी मिट्टी है और बोले इस मिट्टी में ही लिपटे रहो, इस मिट्टी में ही निष्ठा से रहो, आस्था करो। जय श्री भट्ट धूरि धूसर तनु, जय श्री भट्ट धूरि धूसर तनु, जय श्री भट्ट धूरि धूसर तनु, या आशा उर्धार, आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यहां के राज
तुमको सब कुछ दे देगी, इस आशा से पड़े रहो। जय श्री भट्ट धूर धूसर तुन यह आशा उर्धार, यही तुमको मिला देगी परात्पर तत्व को। कल यहां एक संभावना है, सुन रहे हैं कि लगभग 100 भागवताचार्य लोग आ रहे हैं, हैं? नहीं, कल है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक भागवताचार्य हजारों के बीच भी भाषण देता है। यदि हम सब संगठित हो जाएं, तो यमुना जी तो बहुत छोटी चीज है, देश में जाने क्या कर सकते हैं। भारतवर्ष नहीं, संसार बदल सकते हैं। कृष्ण कृपा हुई है ऐसा हमने सुना है। कल 12 बजे इस दिन से बड़े बड़े महापुरुष लोग पधार रहे हैं और यमुना आंदोलन के सशक्त बनाने के लिए। ये केवल श्री जी की कृपा है, अन्यथा हमारे में तो कोई न प्रभाव है न कोई शक्ति है, ये केवल राधा रानी की कृपा ही हम मानते हैं। हमारा समाज संगठित हो जाए तो कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए 12 बजे से 2:30 तक का समय रखा गया है, बड़े बड़े महापुरुष लोग इकट्ठे हो रहे हैं और श्री जी कृपा से यदि सबका एक स्वर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। कल आप लोग भीतर दर्शन करेंगे, हैं? परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा धाम की कल लगा लो, जल्दी चले जाओ और लौट के जिसमें समय पर आ सको। बस राधे किशोर।